नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। दुष्कर्म पर मुलायम सिंह यादव का कठोर बयान। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने बलात्कार को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। मुलायम ने कहा कि चार लोग बलात्कार नहीं कर सकते, बलात्कार तो एक ही व्यक्ति कर सकता है। उन्होंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि चार लोग एक साथ रेप करें? प्रैक्टिकली यह संभव है क्या? उन्होंने कहा कि बदायूं मामले में सीबीआई जांच हुई, क्या मिला? सिर्फ झूठ। जांच में सामने आया कि रेप हुआ ही नहीं था, चचेरे भाई ने जमीन के विवाद को लेकर हत्या की थी। गौरतलब है कि मुलायम पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। तब उन्होंने मुंबई में हुए रेप कांड के आरोपियों का बचाव करते हुए कहा था कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। पाक ने फिर उकसाया, मगर रद्द नहीं होगी वार्ता। पाकिस्तानी उच्चायुक्त द्वारा कश्मीरी पथकतावादियों को सरताज अजीत से मिलने का न्योता दिए जाने के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलने के लिए पाकिस्तान के उनके समकक्ष सरताज अजीत रविवार को यहाँ आ रहे हैं। ऐसी खबरें मिली हैं कि कट्टरपंथी कश्मीरी पथकतावादी नेता सैयद अली शाह गिलानी अजीत से मिलेंगे, जबकि मीरवाइज उमर फारूक जैसे अन्य पथकतावादी नेताओं को भी पाकिस्तानी मिशन द्वारा अजीत के सम्मान में जाने वाले भोज में आमंत्रित किया गया है। FTII छात्रों के लिए दिल्ली में कक्षाओं के लिए जगह दूंगा, कहा अरविंद केजरीवाल ने। पुणे के भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में पुलिस की कार्रवाई पर हैरानी जताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को आंदोलनकारी छात्रों को उनकी कक्षाओं के लिए राजधानी में जगह उपलब्ध कराने की पेशकश की है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार अस्थायी व्यवस्था को संपूर्ण संस्थान में बदलने के लिए भी तैयार है। मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि हैरान हूं कि FTII में क्या हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित एक संस्थान को गलत फैसले से जानबूझकर बात किया जा रहा है। MF धोनी ने लगाई विमान से छलांग। भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बुधवार को आगरा में आसमान से AN-32 विमान से पैराशूट के सहारे छलांग लगाई। धोनी पिछले 13 दिनों से आगरा के पैरा ट्रेनिंग स्कूल में पैरा जंपिंग का प्रशिक्षण ले रहे थे। बुधवार सुबह करीब 6:30 पर उनकी छलांग प्रस्तावित थी, लेकिन पहले मौसम का जायजा लिया गया। भारतीय सेना की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित धोनी ने मलपुरा स्थित ड्रॉपिंग जोन में AN-32 विमान से छलांग लगाई। पैराशूट बांधकर कूदे धोनी ने निश्चित दूरी पर पैराशूट खोला और फिर वे सफलता से जमीन पर उतर गए। धोनी के पीछे एक एक कर 5 और जंपरों ने भी छलांग लगाई। धोनी के पहले भी एक एक कर 2 जंपर कूदे, जिन्होंने हवा के दबाव की जांच की। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मारने की धमकी। जालंधर स्थित पंजाब प्रेस क्लब में गुमनाम पत्र भेजकर किसी ने 21 अगस्त को चंडीगढ़ स्थित पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में 21 बम धमाके कर अदालत के 21 न्यायाधीशों को जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि स्थानीय पुलिस का कहना है कि यह किसी की शरारत हो सकती है, फिर भी पुलिस चौकन्नी है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।